हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे आज हम 2020 का नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2020 में कौन कौन नोबेल प्राइज विनर रहे, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताना वाला हूँ टू हुम दिस प्राइज इज गिवेन, ये प्राइज किसको दिया जाता है। एंड सेकेंड में मैं आपको बताऊंगा हु गिफ्ट दिस प्राइज, ये प्राइज को कौन देता है। एंड थर्ड में मैं आपको बताऊंगा वेयर इज इट इज गिवेन, सो ये प्राइज कहाँ दिया जाता है। एंड व्हेन इट इज गिवेन, कब दिया जाता है। एंड मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्राइज, सो ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ये कितना अमाउंट का दिया जाता है। देन आपको मैं बताऊंगा 2020 का विनर कौन कौन रहे हैं, और लास्ट में जो आपको बताऊंगा ये सब विनर का नाम ट्रिक के साथ, ट्रिक में आप कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आइए वीडियो को देखते हैं। पहले थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो नोबेल प्राइज है ये अल्फ्रेड नोबेल करके एक साइंटिस्ट है, जो कि 1895 में यानी कि उनका डेथ के एक साल पहले एक विल डिक्लार किए हैं, जिसमें वो ये लिखे हैं कि उनका जितने भी वेल्थ है उनको एक फंड में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो फंड को कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सिक्योर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, और वो सिक्योरिटीज से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट को 5 फील्ड में नोबेल प्राइज के आकार में दिया जाएगा। और ये जो फील्ड पे दिया जाएगा ये फील्ड होगा आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमैनिटी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये 5 क्षेत्र में मनुष्य जाति के लिए जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है उसको ये प्राइज दिया जाएगा। तो पहले जो डिक्लेयर किया गया था 5 फील्ड में नोबेल प्राइज को देने के लिए, ये अल्फ्रेड नोबेल ने अपना विल में डिक्लेयर किए थे। लेकिन 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक में डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी नोबेल प्राइज टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। क्या क्या? एक है केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इसको बोलते हैं, देन लिटरेचर में दिया जाता है, देन 5 पीस में दिया जाता है, एंड 6 इकोनॉमी में दिया जाता है। तो टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज को अभी दिया जाता है। फिर अभी देखते हैं ये जो नोबेल प्राइज देता है तो इसको कौन देता है ना, इसको 2 देश देते हैं, एक आपका हो गया स्वीडन और एक आपका हो गया नॉर्वे। स्वीडन जो प्राइज देता है नोबेल प्राइज, ये सारे नोबेल प्राइज देता है एक्सेप्ट पीस। इसका मतलब स्वीडन जो नोबेल प्राइज देता है वो आपका फिजिक्स देता है, केमिस्ट्री देता है, इकोनॉमिक्स देता है, देन मेडिसिन देता है एंड लिटरेचर देता है। टोटल 5 नोबेल प्राइज स्वीडन देता है एंड 1 नोबेल प्राइज नॉर्वे देता है, जो कि होता है पीस प्राइज। एंड ये जो प्राइज दिया जाता है इसको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने मिलके देते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट देते हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूट देखते हैं। पहला जो आपका जो मेडिसिन होता है ये स्वीडन का एक नोबेल असेंबली करोलिंस्का इंस्टीट्यूट होता है, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली होता है एक, ये नोबेल असेंबली आर्ट करोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन इसको देता है मेडिसिन का नोबेल प्राइज ये देता है। एंड आपका जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस होता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 क्षेत्र में ये वाला रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये प्राइज देता है। एंड स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर प्राइज भी देता है। एंड आपका जो नॉर्वेन नोबेल कमिटी होता है, नॉर्वेन नोबेल कमिटी को पीस प्राइज डिक्लेयर करने के लिए उनको अधिकार है। सो नॉर्वेन नोबेल कमिटी ये पीस प्राइज देता है। सो टोटल 4 इंस्टीट्यूट ये 6 प्राइज को मिलके देते हैं। अभी देखते हैं ये कब दिया जाता है। नॉर्मली ये अक्टूबर का 1st वीक में इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इस साल के लिए नोबेल प्राइज का विनर कौन है। सो एवरी ईयर इन अक्टूबर 1st वीक को डिक्लेयर किया जाता है नोबेल विनर कौन होगा। एंड इसको दिसंबर 10 तारीख को दिया जाता है, दिसंबर 10 तारीख जो कि अल्फ्रेड नोबेल का डेथ एनिवर्सरी होता है। अल्फ्रेड नोबेल का डेथ एनिवर्सरी उस दिन में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये कहाँ दिया जाता है, ये स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। आडम ने बताया था जो पीस का नॉर्वे देता है ये उसका कैपिटल ओसल में दिया जाता है। और ये जो स्वीडन में जो प्राइज दिया जाता है इसका स्वीडन का किंग देते हैं। एंड ओसल को जो दिया जाता है ये उनका सेक्रेटरी देते हैं, ये जो उनका जो कमिटी है, पीस कमिटी है, सो उसका सेक्रेटरी इसको ये
प्राइस देते हैं, पीस प्राइस को देते हैं। अच्छा प्राइस में क्या क्या मिलता है? तो प्राइस में आपको तीन चीज मिलता है। पहला आपका हो गया गोल्ड मेडल, हो गया आपका, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का सिंबल रहता है, उनका जो हेड का सिंबल रहता है, तो आपको एक गोल्ड प्राइज मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया। फिर सेकेंड में आपको एक डिप्लोमा मिलता है जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, और इसको डिप्लोमा भी बोला जाता है। ये डिप्लोमा में लिखा जाता है आपको किस लिए ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो आप कौन सा फील्ड में काम किए हैं, और आपका नाम लिखा जाता है, जिसको नोबेल दिया जाता है उनका नाम लिखा जाता है, एंड इसको डिप्लोमा बोलते हैं, डिप्लोमा दिया जाता है। एंड थर्ड में उनको कुछ कैश भी दिया जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है, और ये कैश प्राइज एवरी ईयर अलग अलग अमाउंट का होता है। एंड ये 2020 के लिए 10 मिलियन एसीके डिक्लेयर किया गया है। एसीके मतलब स्वीडन क्रोना, सो स्वीडन का जो करेंसी होता है वो है क्रोना है, तो स्वीडन का जो क्रोना 10 मिलियन स्वीडन क्रोना इस साल दिया जाएगा, और उसको अगर हम इंडियन रूपी में कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम नियरली 8.32 क्रोर्स। सो इतना अमाउंट नोबेल प्राइज में दिया जाता है। सो अभी देखेंगे इस साल के लिए जो फिजिक्स में प्राइज मिला है नोबेल, तो किन किन को मिला है इस साल के लिए 2020 के लिए जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, ये तीन साइंटिस्ट को मिला है। उनका नाम है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गिनगेल एंड एंड्रिया गिज। सो ये तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है। तो इन तीन साइंटिस्ट का नाम कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता होगा फिजिक्स में एक फेमस फॉर्मूला होता है, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड रूल होता है, तो इधर हम राइट हैंड रूल के हिसाब से इनको याद रखेंगे। सो इनको हैंड के जगह, हैंड के बदले हम राइट एंड रूल लिखेंगे, राइट एंड रूल। सो आर से हम याद रखेंगे रोजर पेनरोज, सो रोजर को याद रखेंगे, रोजर पेनरोज को आर में, एंड से याद रखेंगे एंड्रिया गिज, एंड्रिया गिज को एंड से याद रखेंगे, एंड लास्ट वाला जो आर है उसको रेनहार्ड गिनगेल याद रखेंगे। सो फिजिक्स का इस साल के लिए 2020 के लिए नोबेल प्राइज याद रखने का ये ट्रिक है, आर एंड आर। फिर उसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में इस साल दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, और उनका नाम है इमानुएल कार्पेंटर एंड जेनिफर डूडना। सो ये दोनों को जीन टेक्नोलॉजी को एडिट करने के लिए, सो जीनोम एडिटिंग, सो ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। तो इन दोनों का नाम याद रखने के लिए क्या ट्रिक है हमको याद रखना है? आपको क्या कारपेंटर, आपको पता होगा कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या करता है? लकड़ी का काम करता है, इसका मतलब कुछ उसको बनाता है। सो हम याद रखेंगे कारपेंटर लकड़ी को बनाता है, लकड़ी का चीज बनाता है, और इस साल जो कारपेंटर है वो जीन को बनाता है, जीन को एडिट करता है, जीन को रिपेयर करता है। ये जो कारपेंटर है ये जीन को रिपेयर करते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे कारपेंटर जीन को रिपेयर करता है। सो कारपेंटर जो हो गया जीन को रिपेयर करता है। तो दो आदमी को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, इमानुएल कारपेंटर एंड जेनिफर डूडना। सो कारपेंटर जीन को रिपेयर करता है, तो ये केमिस्ट्री में इस साल के लिए नोबेल प्राइज का शॉर्टकट ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन, मेडिसिन में इस साल तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, जिनका नाम है हार्वे जे अल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स राइस। ये तीनों को फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइट सी वायरस, ये तीनों हेपेटाइट सी वायरस डिस्कवर किए थे, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। तो इनको याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है? अच्छा हम देखते हैं राइस, राइस खाने से क्या होता है, आपका हाइट बढ़ता है, राइस खाने से आपका हाइट बढ़ता है एंड आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। तो राइस पहले वाला राइस से चार्ल्स राइस को याद रखेंगे, हाइट से आपको माइकल हाउटन को याद रखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन ये विलियम हार्वे ने इन्वेंट किए थे, विलियम हार्वे ने ये ब्लड सर्कुलेशन इन्वेंट किए थे। सो ब्लड सर्कुलेशन से हार्वे याद आ जाएगा। सो कैसे याद रखेंगे? राइस खाने से हाइट बढ़ता है और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। सो ये जो मेडिसिन है, राइस खाने से अच्छा हाइट होता है एंड ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। चार्ल्स राइस, माइकल हाउटन एंड हार्वे अल्टर, इसको ऐसे याद रखेंगे। फिर देखेंगे लिटरेचर, लिटरेचर इस साल के लिए एक ही आदमी को मिला है, जिनका नाम है लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक ये अमेरिकन पोएट है, इनको इस साल के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। सो इसको याद रखना बहुत इजी है, लिटरेचर एल से शुरू होता है और जिनको मिला है उनका नाम भी एल से शुरू होता है, लुइस ग्लुक। नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो पोएट को हम लोरी भी बोलते हैं, लोरी भी बोलते हैं, सो उनका नाम लुइस से, एल ओ से शुरू होता है, सो लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक को इस साल
लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। देन पीस प्राइज, पीस प्राइज एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जिनका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल के लिए पीस प्राइज मिला है। नेक्स्ट देखेंगे जो इकोनॉमी, लास्ट है ये लास्ट नोबेल प्राइज है। इकोनॉमी में इस साल दो लोगों को मिला है। सो क्या नाम है उनका, उनका नाम है पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन। पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन को इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला है। तो इन दोनों का नाम याद रखने का क्या शॉर्टकट है, तो हम रखेंगे रॉबर्ट विल्सन को हम याद रखेंगे रॉबर्ट विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। सो रॉबर्ट विल से हमको याद रखेंगे रॉबर्ट विल्सन एंड पीएम से याद रखेंगे पॉल मिलग्रोम। सो रॉबर्ट विल बिकम प्राइम मिनिस्टर को याद रखेंगे। इकोनॉमी का जो ट्रिक है साइंटिस्ट का नाम याद रखने के लिए, रॉबर्ट विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। सो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।